हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव शर्मा। आप देख रहे हैं टेक्स स्मार्ट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसस एनफोन मैक्स प्रो M1 में पाई अपडेट कब तक मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, इस साल में मिलेगा, अगले साल में मिलेगा, उससे अगले में मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा। तो इस बात में हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। सो दोस्तों, ये आपका ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को अपने शेयर भी कर लेना। कर लेते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई पाई अपडेट मिलेगा कब? इस महीने, अगले महीने, अगले साल, 10 साल बाद, 20 साल बाद? तो उसके लिए छोटी सी जरा क्लिप हो जाए कि हमें कब मिलेगा पाई अपडेट। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। तो हाँ, आपको क्लिप देख के पता चल ही गया होगा कि यार हमें कब मिलेगा पाई अपडेट एसस एनफोन मैक्स प्रो M1 के अंदर। तो भाई मेरे को लग रहा है कि मतलब बताऊँ ना कि कब मिलेगा अपडेट, तो मेरे को लग रहा है भाई इस हिसाब से जैसे चल रही है ना अभी मैक्स प्रो M1, तो अगले महीने तक मिल ही जाएगा बीटा वाला। तो शायद शायद भाई ये भी पक्का नहीं है कि शायद ही है ये, कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मिल तो जाएगा ही, पर ये बात तो कन्फर्म है भाई, पर ये नहीं कहा कि कब मिलेगा। लेकिन चांसेस तो ऐसे ही बता रहे हैं कि फेब के लास्ट में, फेब का लास्ट बस आ ही गया, कुछ दिन बचे हैं, 28 दिन का महीना है, उसके अंदर भी इतने से 2-4 दिन बचे हैं, उसके अंदर ही पता नहीं कब देंगे भाई। मुश्किल लग रहा है फेब में, तो मार्च में मिलेगा शायद। तो भाई जिस टाइम फ़ोन लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम कंपनी ने बहुत फेंका था कि आपको पी का अपडेट मिलेगा, क्यू का अपडेट मिलेगा, कैमरा हम काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर देंगे। और पहले जो कैमरा था, चलो उससे तो माना ठीक हुआ है, ये नहीं कहूँगा ज़्यादा ठीक हुआ है, पर हाँ ठीक हुआ है। उससे पहले तो मतलब जो था जिस हिसाब से पहले तो बहुत ही घटिया था, अब घटिया है सिर्फ, तो बस इतना ही ठीक हुआ है। तो फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं कि फ़ोन ने बोला फास्ट चार्जिंग भी आपको देंगे, आपका फ़ोन ऐसे शूम शूम चुटकियों में चार्ज हो जाएगा, ये वो पता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। जो स्पीड थी ना बैकअप और गिर गया हमारी बैटरी का। हमने फ़ोन क्यों लिया था, चलो बात करते हैं, चलिए हमने फ़ोन लिया क्यों था। फ़ोन हमने इसलिए लिया था कि भाई ऑन पेपर ना स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी थी, और बाकी सब यूट्यूबर भी जम जम के तारीफ कर रहे थे, हाँ भाई कि 5000 mAh की बैटरी है मेरी, तो 2 दिन निकाल दिया इस फ़ोन की बैटरी ने मेरा, डेढ़ दिन निकाल दिया। कैमरा देखो कितना अच्छा आ रहा है, स्पीकर देखो आवाज़ काफ़ी अच्छी है, और नेटवर्क स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी आ रही है, स्टॉक एंड्रॉइड आपको फ़ोन मिल जाता है, ये सब बहुत बोला था कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा है, वो फलाना ढिंकाना। पर अब क्या भाई, अब की अगर मैं बात करता हूँ तो अब मेरा फ़ोन होता है सीधी सी बात है लैग होता है। बैटरी बैकअप 5000 mAh की बैटरी है, मेरे को लगता नहीं कहीं से 5000 mAh की, हम से बता रहा 3.5 या 4000 mAh की लगती है बैटरी, ऐसा लग रहा है ऑन पेपर बस 5000 की है। पैसे वैसे दे के थोड़ा बहुत जुगाड़ करा रखा है कि हाँ भी 5000 लिख दो, तुम पेपर पर ये वो लगती नहीं भाई बिल्कुल भी कि अब 5000 की बैटरी है इसकी। स्पीकर की बात करते हैं, पहले कहते थे 5 मैग्नेट का स्पीकर है इसका, अब तो भाई 2 मैग्नेट का भी नहीं लगता, बहुत ही मतलब घटिया आवाज़ हो रखी है। सिग्नल स्ट्रेंथ भी है बेकार हो रखी है भाई, 3G मैं दूसरा फ़ोन चलाऊंगा ना, एयरटेल 3G पे अपना वाला चलाऊंगा, तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आती रेंज, कुछ भी नहीं आती, पबजी खेलता हूँ लैग होती है बीच में, इतनी बुरी रेंज आती है। कैमरा भी मतलब ठीक ठाक हुआ है बस पहले से, और स्क्रीन लाइट ऑफ हो जाती है भाई, कॉलिंग करते हैं तो ऑन ही नहीं होती कॉल कट करने के लिए, तो पता नहीं क्या चल रहा है, वो अलग ही बात है उसकी। तो भाई मेरी सिंपल सी बात है एसस से कि यार देखो हमें ना पाई अपडेट दे दो, अगले महीने दे दो, कोई बात नहीं हम सहन कर लेंगे कि भाई अगले महीने मिल रहा है हमें पाई अपडेट, पर भाई अभी जो दिक्कत है ना इनको सब फिक्स कर दो, सीधी सी बात है, जो दिक्कत चल रही है काफ़ी सारी है बैटरी बैटरी वाली, ये सब आपको ठीक कर दो भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको जो बीटा अपडेट होता है ना वो तो बहुत ही घटिया होता है, और जो स्टेबल अपडेट होता है वो भी घटिया होता है। तो आप हमें ऐसा अपडेट दे दो एक महीने बाद जिसके अंदर मतलब जो हमें स्टेबल वाला सच में स्टेबल लगे, ऐसा वाला नहीं कि बीटा वाला स्टेबल हो, जो सच में स्टेबल हो ऐसा वाला अपडेट दे देना भाई, जिसके अंदर मतलब हमें कोई दिक्कत वगैरह हो, थोड़े बहुत बग्स काम चला लेंगे पर वो आपके पाले वाले नहीं, कि भाई बग्स से भरपूर जिसके अंदर अपग्रेड थोड़ा सा, बग्स बहुत ज़्यादा, ऐसे वाला नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए बग्स थोड़े से हम काम चला लेंगे, अपडेट बहुत ज़्यादा दे दो। पर ऐसा कर दो यार कि हमें मतलब एंड्रॉयड पी दे देना अगले महीने दे देना, कोई बात नहीं मार्च के एंड तक दे दो हमें, कोई जल्दी नहीं है, पर भाई अभी जो दिक्कत है ना इनको तो ठीक कर दो पहले, ये जो दिक्कत है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, और जो भाई अपडेट आएगा कोई नहीं हम एक महीने बाद ले लेंगे, कोई इतनी हमें जल्दी नहीं हो रही, हमें कौन सा चांद पे जाना है यहीं पड़े हम भी, तो हमें भाई जल्दी से दे दो आप, कि मतलब जो हो सके ना इस चीज़ों का सोल्यूशन जल्दी से दे दो, जो यार अभी चल रही है ना इतनी सारी दिक्कत है इन सब का, बैटरी ठीक कर दो यार, स्पीकर भी ठीक कर दो, बस यही है। और भाई मैक्स प्रो M2 के यूज़र से भी देखा हमने कि उनका जो बीटा अपडेट है भाई कितना बेकार है, वो बेकार बहुत बेकार, उससे भी ज़्यादा बेकार फिर आता है मैक्स प्रो M2 का बीटा अपडेट, तो भाई बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। और भाई उनको भी दे दो स्टेबल वाला ठीक ठाक से, उनका भी कर दो, उनके भी कुछ दुआ लगेगी आपको,
तो दोस्तों ये थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर भी कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।